जो बच्चे क्लास 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास खबर। फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ गई है। सीबीएसई ने बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया है सभी बच्चों के लिए। सो यू कैन थिंक अबाउट दिस सीट। 15 यहाँ पे डेट दे के रखा है, 15 फरवरी। 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा और एग्जाम का टाइमिंग होगा 10:30 बजे, 10:30 बजे सुबह मॉर्निंग से, और 1:30 बजे तक का एग्जाम होगा। सभी क्लासेस में बहुत सारा गैप रखा गया है एग्जाम के बीच में। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बनाने के टाइम में बहुत अच्छे से बच्चों का ध्यान रखा गया है कि बच्चे आराम से प्रिपरेशन करें, आराम से रिवीजन करें और बढ़िया एग्जाम दे के आए और अच्छा रिजल्ट दे। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तिथि में ध्यान रख रखा गया है तथा प्रवेश परीक्षाओं में काफी पहले परीक्षाएं पूरी करने का प्रयास किया गया है। इससे विद्यार्थियों को बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं के लिए बेहतर समय प्रबंधन में मदद मिलेगी, क्योंकि जो जो एक्स्ट्रा एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अच्छा ध्यान दिया गया है इसके लिए, कि अगर आपको कोई दूसरा एग्जाम देना है तो इससे पहले हमारी बोर्ड एग्जाम्स सब फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद में आराम से दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो, छात्रों द्वारा आमतौर पर दिए जाने वाले विषयों की दो परीक्षाओं के बीच में दिए जाने वाला समय अंतर काफी पर्याप्त है और डेट शीट में अगले विषय की परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी में भी मदद करेगा और अच्छा, इतना अच्छा टाइम कभी दिया नहीं है क्योंकि काफी टाइम दिया गया है। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास 10th का, ये 10th का टाइम टेबल है। इसमें 15 फरवरी को स्टार्ट है, पहला पेपर होगा इंग्लिश कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज लिटरेचर, इनका पहला सबसे फर्स्ट पेपर होगा। ये 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा। उसके बाद में सभी स्कूल्स में ये सब सब्जेक्ट नहीं होते, जो एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए 408 सभी के कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं। एंड उसके बाद इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट आता है वो आता है साइंस, वो 20 फरवरी को है। 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच 5 दिन का गैप दिया है इसमें। उसके बाद में संस्कृत 2 दिन दिया गया है, सोशल साइंस उसके बाद में 3 दिन दिया गया है, और उसके बाद हिंदी, हिंदी के लिए फिर 3 दिन दिया गया है। और ऐसे करते करते आगे में मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा दिन चाहिए, सो 10 मार्च को है। सो आप देख सकते हैं 28 मार्च से 10 मार्च काफ़ी दिन है मैथ्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए बच्चा अच्छा प्रैक्टिस करके दे सकते हैं। और उसके बाद में जो आईपी वगैरह का एग्जाम होता है और एआई और कंप्यूटर ये सब एग्जाम होता है उसके लिए 18 मार्च। सो 7-8 डेज का इसमें गैप है। सो कंप्यूटर की अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं। सो 10th का एग्जाम 18 मार्च को फिनिश हो जाएगा और वो फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद में 12th का डेट शीट स्टार्ट होता है, उसमें सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन दे के रखा है 17 फरवरी को। उसके बाद जो एग्जाम आता है फिजिक्स का एग्जाम आता है 21 फरवरी को, और ह्यूमैनिटीज वालों के लिए 24 फरवरी से ज्योग्राफी स्टार्ट है, और केमिस्ट्री के लिए 27। सो आप देख रहे हैं साइंस के लिए 21 को से लेके 27 यानी 5-6 डेज का गैप दे के रखा है, और ह्यूमैनिटीज वाले के लिए 24 को ज्योग्राफी है। उसके बाद में आप देख रहे हैं सीधा इकोनॉमी का एग्जाम आएगा, वो बहुत लेट आएगा। और यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जो है उनके लिए सैटरडे 8 मार्च। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री 27 फरवरी और ये 8 मार्च, यानी काफ़ी गैप है, बच्चे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद में इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव ये 11 मार्च को होगा, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 15 मार्च। और उसके बाद में आप देख रहे हैं 19 मार्च सीधा इकोनॉमी, 24 फरवरी से 19 मार्च, बहुत टाइम दिया गया है पढ़ने के लिए। इकोनॉमी थोड़ा बच्चों को हार्ड लगता है सब्जेक्ट, बट इसलिए उसी को ज़्यादा टाइम दिया गया है। एंड पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए 22 मार्च, और बायोलॉजी स्टूडेंट्स 25 मार्च, हिस्ट्री वालों के लिए 1 अप्रैल। सो आप ये देख रहे हैं जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनके लिए 19 मार्च से लेके 1 अप्रैल हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी टाइम दिया गया है। सो सभी सब्जेक्ट के लिए अच्छा टाइम दिया गया है। लास्ट का एग्जाम होगा साइकोलॉजी, वो 4 अप्रैल को होगा और एग्जाम एंड हो जाएगा। सो थैंक यू।
टू ऑल और बेस्ट ऑफ लक फॉर माय साइड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद।